100 स्टेट से सारे लोग पार्टिसिपेट किए हैं इसमें। ये 3 दिन का कंपटीशन है। ये 3 दिन के कंपटीशन में इसमें जो है ना क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल होगा। नहीं, बॉयज़ एंड गर्ल्स का दोनों का कंपटीशन है। स्टेट्स का नाम बोले तो अच्छा, तेलंगाना, आंध्रा, चेन्नई, तमिलनाडु, केरला और गोवा, महाराष्ट्र और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। ये सरप्राइज प्राइजिंग है। ये सरप्राइज प्राइजिंग जो कैश प्राइज है वो मैट्रिक्स फाइट नाइट जो जिसका इसमें ये नेशनल चैम्पियनशिप का कराने का मकसद एक्चुअली जो इंडिया की सबसे टॉप लेवल की फाइट है वो है मैट्रिक्स फाइट नाइट, जिसके CEO एलन फर्नांडिस सर हमारे बीच में बैठे हुए हैं। तो सर का जो इंटेंशन है, मैट्रिक्स फाइट नाइट का जो इंटेंशन है कि IMA नेशनल के जो भी कंटेस्टेंट है, जो भी क्वालिफाई फाइटर्स है, वो लोग को एक फाइट में एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए और उनको एक अच्छे लेवल पे जो है ना फाइट करने का मौका दिया जाए और वो फाइट के ज़रिए वो एक अच्छी फाइनेंशियली अपने आप को साउंड करने के लिए ये मैट्रिक्स फाइट नाइट एक बेहतरीन पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे बड़ी फाइट नाइट है। और इसका हमें मौका मिला है, यानी मुझे, यानी पाको मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस एकेडमी जो मलकपेट और सरुनगर में हमारा ब्रांचेस है, हमने IMA से रिक्वेस्ट की। 3 साल से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये IMA नेशनल को पाको मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस एकेडमी ऑर्गेनाइज़ करे और इसके लिए हमें इसका अभी मौका मिला है। और इस मौके को का फ़ायदा हम उठाते हुए ऑल ओवर इंडिया से जितने भी 475 प्लेयर्स आए हैं उनको हर चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड की है हमने। और इसके लिए हम जो हमारे चीफ है, हमारे MMA के गॉडफादर है डैनियल आइजैक सर, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। वो आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन वो उन्होंने हमें ये मौका दिया है। उसके साथ साथ में MFN जो मैट्रिक्स फाइट नाइट के CEO है एलन फर्नांडिस हैं, वो हमारे साथ मिलकर इस इवेंट को, हो सकता था शायद इस इवेंट में 200 पार्टिसिपेट आ सकते थे लेकिन जब MFN का इसमें सिलेक्शन आ गया तो 200 की जगह 475 पार्टिसिपेट्स आए हैं। तो मैं तहे दिल से एलन फर्नांडिस सर, CEO ऑफ MFN का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे बीच में जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस LB नगर सर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सर सर हम जब भी हम लोग इसके लिए जाने के लिए हम लोग ट्राई किए थे परमिशन के लिए, सर ने काफ़ी सपोर्ट किया और आज सर के सपोर्ट की वजह से पूरा अच्छे से बंदोबस्त हुआ है। और मैं तमाम मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और IMA के प्रेसिडेंट जीतू जैन सर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये इवेंट से 4 दिन पहले वो यहाँ पर हैदराबाद में रहकर सारी चीज़ों को हमारे साथ मिलकर एक फैमिली की तरह हमने पूरा काम किया। IMA हमारी एक फैमिली है और हम इस फैमिली के मेम्बर हैं। आज पाको मार्शल आर्ट को, इतना पाको मार्शल आर्ट अकेडमी को ये नेशनल लेवल पर ये इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें जो मौका दिया है, इसके लिए मैं MFN का और IMA का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं ये कोशिश करूंगा कि कभी भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस तरह के इवेंट्स कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, जय हिंद। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। आज मेरे लिए बहुत ही बड़ा दिन है कि मैंने यहाँ पर LB नगर में सरुनगर इंडोर स्टेडियम में IMA नेशनल चैम्पियनशिप का जो है ना यहाँ पर इनेकाद अमल में आया है। और इसके लिए हमने जो ऑल ओवर इंडिया से 28 स्टेट से 475 पार्टिसिपेट्स आए हैं और उनके लिए हम लोगों ने मैक्सिमम कोशिश की है कि उनके रहने का, अकोमोडेशन का, फूड का अच्छे से ख्याल किया जाए। और इस कोशिश के लिए हमने पिछले तीन महीने पहले से हम ये कोशिश कर रहे थे कि ये IMA नेशनल इवेंट यहाँ पर हैदराबाद में रंगारेड्डी में हो पाए। और इसके लिए मैं IMA ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट के फाउंडर जो है इस मुकाबले में हिस्सा में सरुनगर इंडोर स्टेडियम में आज दोपहर में ऑल इंडिया मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के तरफ से एक मेगा इवेंट शुरू हुई। जब थोड़ी देर पहले
मैं और हमारे मेरे साथ हमारे इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर आके कुछ बोर्ड्स भी देखे हम यहाँ पे। अरेंजमेंट्स तो शानदार अरेंजमेंट्स कर दिया गए और हमारा यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र सैयद इफ्तिकार हुसैन जी इफ्तिकार जी और उनका टीम बहुत दिन पहले हमारे पास आके परमिशन के वास्ते और बंदोबस्त के वास्ते भी हमारे को रिक्वेस्ट दिए थे। जब से भी हम उनको हम तो अश्योरेंस दिए हम तो डेफिनेटली बंदोबस्त प्रोवाइड करते बोल के। कल भी आके हम देख के गए यहाँ पे अरेंजमेंट्स तो बहुत अच्छे है। आज भी देखे हम अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे है। पार्टिसिपेंट्स पूरे हर को लॉट ऑफ स्टेट्स से बाहर से भी आए वो लोग भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कुछ बोर्ड्स हम देखे तो भी वो उसमें उस जो पार्टिसिपेंट्स है वो लोगों को कई उसमें वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बोलते हैं वो हम जो जीतने वाले हारने वाले कॉन्टेस्टेंट को आके हाथ मिलाना और गले मिलाना देखे तो बहुत अच्छा लगे। और हार जीत तो नेचुरल रहता तो इजी लेना पड़ेगा। पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट है। एक बार जीतते और हर बार जीतना बोलते हो तो मुश्किल होता है। दोनों एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करें तो एक एक ही जीतेगा। एक बार हार गए तो नेक्स्ट बार जीत हासिल के लिए और कोशिश करना पड़ेगा। ये मैसेज लेके आगे बढ़ते जाना और ज़िंदगी में या स्पोर्ट्स में कौन सा भी होने दीजिए पार्टिसिपेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। विनिंग और लूजिंग इज नेचुरल नॉर्मल हर पार्टिसिपेंट इसको नॉर्मल लेना पड़ेगा। यही है ये मैसेज। और यहाँ पे हमारे तरफ से पुलिस तरफ से राचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से और एलबी नगर पुलिस की तरफ से बहुत बंदोबस्त का इंतजाम अरेंजमेंट्स तो बहुत अच्छा कर दिया गए। और कुछ भी प्रॉब्लम रहे तो हमारे सब इंस्पेक्टर्स है और कांस्टेबल्स है और सब जो ड्यूटी पे है वो पूरा देख लेगा। नो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। और एक बार ऑर्गेनाइजर्स को और कॉन्टेस्टेंट्स को भी बधाई देते हुए शुक्रिया। थैंक यू। पहले बात तो तमाम मीडिया का हम शुक्रिया करना चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पर आए और आपके ज़रिए हम पूरी दुनिया को बता सकते हैं पूरे हैदराबाद को बता सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पर राष्ट्रीय लेवल पर चैम्पियनशिप हो रहा है। तकरीबन 28 स्टेट से एथलीट्स यहाँ पर आए हैं तो तकरीबन 450 फाइटर्स जो हैं यहाँ पर खेल रहे हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि हैदराबाद पुलिस खासकर राजकुंडा कमिश्नरेट के ACP सर हमारे साथ यहाँ हैं और सर की सपोर्ट की वजह से हैदराबाद पुलिस की सपोर्ट की वजह से इतना डिसिप्लिन मेंटेन होता है कि कोई भी एथलीट अगर वो चाहता है किसी के घर में अगर कोई बच्चा है पैदा होता है वो बच्चे को फौज में डालना चाहता है बच्चे को पुलिस में डालना चाहता है तो जब यूनिफॉर्म उनके सामने खड़ी होती है तो वो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाता है। सो थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर बिकॉज आपको देखकर एंड लुकिंग एट यू ऑल इन यूनिफॉर्म्स द फाइटर्स गेट मोटिवेटेड एंड दे फील रिस्पेक्टफुल एंड दे स्टे डिसिप्लिन विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड और ये मार्शल आर्ट्स के कॉम्पिटिशन के ज़रिए हमारी कोशिश यही है कि हम ये फ़ाइटर्स को क्राइम में ना जाने दें बट उनको मार्शल आर्ट्स से हम और डिसिप्लिन सिखाएं ताकि वो कल के दिन वो भी कुछ एस्पायरिंग पुलिस ऑफिसर्स बने सर के जैसे ताकि वो उनकी ज़िंदगी एक अच्छे लेवल पर चले अच्छे रास्ते पर चले ताकि हम पुलिस वालों को तकलीफ़ ना दें क्राइम में जाके लेकिन हम मार्शल आर्ट्स में घुस के मार्शल आर्ट्स के ज़रिए एक अच्छी ज़िंदगी जिए। आई थिंक वही हमारा मकसद है। एंड आई वॉन्ट टू थैंक सैयद सर फॉर बींग अ वेरी ग्रेशियस होस्ट फॉर ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन। एंड आई ऑल्सो लाइक टू थैंक मेट्रिक्स फाइट नाइट। मेट्रिक्स फाइट नाइट इज़ अ कंपनी दैट इज़ ओन्ड बाई टाइगर श्रॉफ। उनकी कंपनी की कलेबोरेशन की वजह से और ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट्स का मिल के हम तीनों ने ये कॉम्पिटिशन यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया है और ये फाइटर्स को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आगे मिलने वाला है। तो आप सबका थैंक यू और सारे फाइटर्स का सारे ऑर्गेनाइजर्स का खासकर सर रेड्डी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द पुलिस फोर्स दैट इज़ हियर एंड मेकिंग श्योर दैट वी आर डूइंग दिस इवेंट करेक्टली। थैंक यू वेरी मच।
वेल। We have our last strawweight fight. It is John Bernard and the winner. Current fight going on between Harry Kadeem from Chhattisgarh. Yeah, go, say, go, say. Assistant Abhishek Gupta. Abhishek Gupta and Red. Fight after that. Fight set of Dashing of Maharashtra versus Akash from Punjab. Fight after that. ये फाइट के बाद अभिषेक मेनन छत्तीसगढ़ ब्लू अब्रारुद्दीन केरला रेड। अभिषेक मेनन ब्लू अब्रारुद्दीन केरला रेड भी रेडी क्लाइमेक्स स्टेज वन। After that, Adnan Sheikh, blue corner versus Akash from Punjab in red corner. Current fight in H2. I mean, anybody in uniform, we always have a lot of respect for those people and. A big round of applause for Hyderabad Police of Pasipulla. And I'd like that Sayed sir would do the honors. And we'd like our bit to have it. Is between Nitin Manoj. Fight that Adnan